दोस्तों इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हमारी टीम जब से ये हुआ डेली कुछ ना कुछ बांट रही है, कभी मास्क, सैनिटाइजर, राशन एंड रेडी टू ईट आइटम्स। तो आज हमारी टीम ने डिसाइड किया था कि हम लोग मिल्क वगैरह, ऑरेंजेस वगैरह, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं रास्ते में एंड वाइटामिन सी का सोर्स है ऑरेंज, तो इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा है इस टाइम उससे फाइट करने में इस कोरोना के अगेंस्ट। तो हमारी टीम ने आज डिसाइड किया था कि हम लोग रेडी टू ईट आइटम्स बांटेंगे, दूध वगैरह, ऑरेंजेस वगैरह, मिल्क वगैरह, ब्रेड वगैरह, ताकि वो लोग खा पाए। लेकिन जो हमने आज देखा, हम लोग वहाँ पर गए, अब इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आप लोगों को फूड की वैल्यू रियलाइज़ होगी, खाने की वैल्यू रियलाइज़ होगी। कई कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती है क्योंकि इतने लोग हैं, तो हमको सबको मिल के करना पड़ेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्राउन बा फिटनेस टीम ने इनिशिएटिव लिया जब से लॉकडाउन हुआ कि हम लोग डेली, हमारी टीम कुछ ना कुछ कर रही है, कभी मास्क, सैनिटाइज़र, कभी राशन, कभी एसेंशियल नीड्स हम लोग कर रहे हैं। एंड आज हम लोग जिस स्लम में पहुँचे थे बांटने के लिए, वहाँ हम लोगों ने जो देखा वो बहुत एब्सोल्युटली इमोशनल कर देने वाला सीन था कि उन लोगों के परिवार तीन तीन दिनों से भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाने को देख के उनकी आंखों में जो भूख थी वो महसूस कर सकते होंगे आप लोग इस वीडियो के एंड में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड वहाँ हम लोग जब पहुँचे, उन लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पर राशन नहीं पहुँच पा रहा है। आज हम लोग की टीम ये जो पैक करके लेके आई थी, आज हमने वो जाके वो बांट दिए। हमारी टीम प्रॉमिस करती है कि हम लोग जाएंगे उन लोगों तक, 25 फैमिली उन्होंने बताया वहाँ पर, हम तक राशन ज़रूर पहुँचाएंगे। इधर कोई नहीं आ रहा।